वो कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग बिन कराकर दे सकते हैं और कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल लीग बिन कराकर दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इस विंसी प्रीमियम लीग के मैच में चर्चा करने वाले हैं उन्हीं प्लेयर के बारे में। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले वेन्यू के बारे में। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया कि सेम वेन्यू पर मुकाबला हो रहे हैं, तो आपके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो एवरेज स्कोर 90 यहाँ पर एवरेज स्कोर आता है, क्योंकि कल जो दो मुकाबले खेले गए थे उनमें एक में 117 बने थे और एक में 122 बने थे। तो यहाँ पर एवरेज भी दोस्तों बढ़ जाएगा, लगभग 90 के प्लस आपके लिए एवरेज यहाँ पर निकलता है। टोटल खेले गए दोस्तों यहाँ पर 12 मुकाबलों में 7 मुकाबले पहली बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 5 मुकाबले सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम ने विन किए हैं। और टोटल खेले गए 12 मुकाबलों में आपके लिए 119 विकेट गिरे हैं, लगभग एक मुकाबले में 10 विकेट आपके लिए गिरे हैं, मतलब एक इनिंग्स में 5 विकेट यहाँ पर आपके लिए मिले हैं। तो आप ध्यान में रखकर चलिएगा। एक जो मैं इंपोर्टेंट पिक आपके लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ऑलराउंडर और बल्लेबाजों पर ज्यादा फोकस करिएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑलराउंडर और बल्लेबाजों पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऑलराउंडर विकेट ले जाते हैं साथ में बल्लेबाजी भी करते हैं। और दोस्तों, बॉलर फिर इतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाते, क्योंकि 2 से 3 विकेट ऑलराउंडर ले जाते हैं। तो दोस्तों, बॉलर को 1 या 2 विकेट मिलते हैं तो ज्यादा इंपैक्ट वो नहीं डाल पाते। उसके अलावा रन तो ऑलराउंडर को करना ही करना है, तो आपके लिए ऑलराउंडर और दोस्तों बल्लेबाज ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। आप यहां पर देख सकते हो पेस बॉलर ने यहां पर 56% विकेट निकाले हैं और स्पिनर ने आपके लिए 44% विकेट निकाले। एक्चुअल पेस बॉलर तो कोई है नहीं, हाँ वो मीडियम पेसर है, मतलब 120 से 125 तक वो फेंकते हैं दोस्तों, पेस बॉलर नहीं है। पेस बॉलर मेरी नजर में 140 प्लस डाले वही पेस बॉलर है। और आप दोस्तों क्या समझते हो तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि आप पेस बॉलर किसे समझते हो। आप 130 प्लस स्पीड वाले को पेस बॉलर समझते हो या 140 वाले को, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर वीडियो में जरूर बताइएगा। यदि पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो पिच रिपोर्ट दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अच्छी है और आपके लिए यहां पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। तो हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को यहां पर आपके लिए मिल सकता है, जैसा कि कल के दो मैचों में आपके लिए देखने को मिला था। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम में संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर और लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी दोस्तों, तो आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आफ्टर टॉस आपके लिए जो फाइनल टीम मिलेगी ना, वो टेलीग्राम पर ही मिलेगी। आपने देखा होगा जो लास्ट में हमने टीमें प्रोवाइड कराई थी, दोनों ही मैचों की शानदार टीमें थी और कैप्टन वाइस कैप्टन भी हमारे शानदार थे। तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एफसीएस के बारे में। तो आपके लिए कलम एक्सो ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं बॉस कॉम्बिक्स। हालांकि इससे पहले दोस्तों ये नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन लास्ट मैच में देखा होगा आपने यहाँ पर आपके लिए लेसवान लुइस नहीं खेले थे, तो इनकी जगह दोस्तों ये ओपन करने के लिए आए थे, एक्सो ओपन करने के लिए आए थे। यदि ये खेलते हैं तो ये ओपन नहीं करेंगे, इसके बारे में भी अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हालांकि परफॉर्मेंस इन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, माइल्स ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, एक मैच में 30 बनाए, उसके अलावा इन्होंने भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। उसके अलावा सेलेरियो विलियम्स हैं, आप देख सकते हो 13 रन और इन्हें 1 विकेट मिला था, उससे पहले 4 रन कोई विकेट नहीं मिला, उससे पहले 30 रन 1 विकेट। तो आप इन्हें एज ए इंपोर्टेंट प्लेयर नोट करिएगा दोस्तों। जो भी इंपोर्टेंट प्लेयर हैं वो आपके लिए मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा पोपे हैं, ज्यादा कुछ इन्होंने भी नहीं किया, आप यहाँ पर देख सकते हो 6 रन 12 रन एक मैच में मात्र 20 रन इन्होंने स्कोर किए थे, उसके अलावा इन्होंने स्कोर नहीं किया। कैटरॉन लिविया आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं लाविया, क्योंकि लास्ट मुकाबले में 15 रन और 2 विकेट निकाले, इससे पहले 6 रन 1 विकेट, इससे पहले 7 रन और 0 रन विकेट इन्हें दोनों ही मैचों में इससे पहले नहीं मिला। केविन पेट्रास को लास्ट मुकाबला खिलाया गया था, ये मुकाबला खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे इसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिल जाएगी। केविन पेट्रास ने एक मुकाबला खिलाया गया था तो दोस्तों उसमें मात्र इन्होंने 4 रन का स्कोर किया था, इससे पहले दोस्तों इन्हें खिलाया नहीं गया। एम इसबाल को भी लास्ट मुकाबला खिलाया गया, ये दोनों ही चेंजेस थे लास्ट के मैच में इन दोनों इस टीम में, तो इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, तो संभवतः इनकी जगह फिर कोई चेंजेस किया जा सकता है, तो उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर मिल ही जाएगी। उसके अलावा रे जॉर्डन आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, हालांकि अभी तक इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन प्लेयर इंपोर्टेंट हैं। आप चाहो इन्हें अपनी स्मॉल लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो तो अवॉइड कर भी चल सकते हो। उसके अलावा सिद्दीकी ब्राउन है, इन्होंने 13 रन किया और विकेट नहीं मिला, फिर विकेट नहीं मिला, सिर्फ एक मुकाबले में इन्हें विकेट मिला है, मतलब 4 मुकाबले में सिर्फ 1 विकेट इन्होंने निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो
फेड्रिक्स है। फेड्रिक्स को दो विकेट मिले हैं चार मुकाबले में। लास्ट का मैच इनका विकेटलेस रहा था, लेकिन इससे पहले एक विकेट निकाला और उससे पहले भी एक विकेट निकाला और पहले मुकाबलों में इन्हें विकेट नहीं मिला था। वहीं यदि बायली के बारे में बात की जाए तो ये आप इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट करिएगा, क्योंकि चार मैच में तीन विकेट अभी तक निकाल चुके हैं और गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। खास बात यह है कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर एसपीबी की संभावित 11 के बारे में। तो सुनील एम्ब्रेस आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे ओजीकी विलियम्स के साथ। विलियम्स ने खेले अभी तक के दो मुकाबलों में 29 रन और 22 रन का स्कोर किया है, जबकि एम्ब्रेस आप देख सकते हो 34 रन विकेट नहीं मिला और आप यहां पर देख सकते हो 24 रन एक विकेट नहीं मिला, 53 एक विकेट और 2 रन 3 विकेट। तो आपके लिए एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। आप इन्हें अपनी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। आपके लिए ऑलमोस्ट स्मॉल लीग की मैं तो सभी के कैप्टन वाइस कैप्टन मिलेंगे ही। यदि आप ग्रैंड लीग में भी इन्हें ट्राई करना चाहते हो तो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा लाइने को लास्ट मैच में डिमोट किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी के डिमोट किया गया था, वो भी सीधे सीधे 8 नंबर पर। तो आप इससे समझ सकते हो दोस्तों इनके बल्लेबाजी में तो फेरबदल हो सकते हैं। और सुयेन को प्रमोट किया गया था, हालांकि और बैटिंग ऑर्डर यही रहा था, लेकिन लाइने को डिमोट किया गया था, इनकी जगह सुयेन को नंबर 3 पर भेजा गया था। तो सुयेन आप देख सकते हो, आप सुयेन को भी इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट कर सकते हो। लाइने को क्यों इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट किया दोस्तों, क्योंकि गेंदबाजी तो ये करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा यदि बल्लेबाजी इनकी आती है इन्हें प्रमोट किया जाता है, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट डाउन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो आपके लिए इंपोर्टेंट पिक्स ए हो सकता है। उसके अलावा आप स्वीन को भी इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्वीन को इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट कर सकते हो। इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 11 रन 42 रन और 23 रन, ये मेरे हिसाब से T10 में तो अच्छा परफॉर्मेंस होता है। उसके अलावा एंड्रयू थॉमस है, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक मुकाबले में गेंदबाजी की तो विकेट नहीं मिला, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 29 किए, उसके बाद 4 और 6, लास्ट मुकाबले में 6 रन कर आ रहे हैं, तो ज्यादा खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं है। उसके अलावा जॉनसन है, जॉनसन आप दोस्तों यहां पर देख सकते हो इन्होंने 2 विकेट निकाले एक मैच में, 3 विकेट, लास्ट के 2 मुकाबलों से इन्हें कोई विकेट नहीं मिला। दोस्तों यदि आप इन्हें अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि ऐसे ही प्लेयर होते हैं जो आपके लिए ग्रैंड लीग विन कराकर दे सकते हैं। तो आप दोस्तों यदि ग्रैंड लीग खेल रहे हो, एक से ज्यादा टीम बनाना है और ऐसी रिस्क तो हमें लेना है। उसके अलावा हेवुड देख सकते हो, लास्ट मुकाबले में 1 विकेट मिला जो कि इन्होंने कॉट एंड बोल्ड किया था। उसके अलावा दोस्तों इन्हें सेकंड लास्ट में विकेट नहीं मिला, उससे पहले 1 विकेट और पहले मुकाबले में विकेट नहीं मिला, मतलब 4 मैच में 2 विकेट निकाल चुकी है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग की अच्छी चॉइस है, तो ग्रैंड लीग में आप इन्हें बिल्कुल डेफिनेटली अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा होइटे हैं, इन्होंने दोस्तों 4 विकेट अभी तक निकाले हैं खेले गए 3 मुकाबलों में, पहले मुकाबले में खेले नहीं थे, तो होइटे को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बात की जाए यहां पर दोस्तों इनकी जगह जोसेफ की जगह वाकर को मौका मिल सकता है, वो आपके लिए आफ्टर टॉस अपडेट कर दिया जाएगा। सेल्डन हूफर हैं, लास्ट मुकाबला खेला गया था कुछ नहीं कर पाए, दोस्तों इन्हें भी प्रमोट किया गया था थोड़े से ऊपर बल्लेबाजी के लिए, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और इससे पहले के 3 मुकाबलों में इनकी बल्लेबाजी आई नहीं थी। सैमुअल को आप नोट करिएगा इंपोर्टेंट प्लेयर में, आप यहां पर देख सकते हो इन्होंने 5 विकेट निकाले हैं खेले गए 4 मुकाबलों में, तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। आप ग्रैंड लीग में इन्हें ट्राई कर सकते हो और दोस्तों ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में तो जरूर इन्हें ट्राई करना है। कोई भी चेंजेस होगा तो उसके बारे में अपडेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो प्लीज आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अब हम हमारे ड्रीम इलेवन की टीम तैयार कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, हमें 50 लाइक का टारगेट पूरा करना है, तो प्लीज मेरे मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। विकेट कीपिंग सेक्शन बात करें, स्वीन जो कि फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन पर बल्लेबाजी करेंगे, ओजी की विलियम्स जो कि आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगी। अब डिपेंड आप पर करने वाला है, आप किसे लेना चाहते हो, सबके परफॉर्मेंस मैं आपके लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो मैं फिलहाल की स्थिति में दोस्तों यहां पर विलियम्स को अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूं, यदि आप स्वीन को ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करने वाला है। और दोस्तों यदि आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो एक आधा टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर ट्राई इन्हें करें, इन दोनों को लेकर दोस्तों एक टीम बनाए उसके और कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करें। बात करें यहां पर बल्लेबाजी सेक्शन के बारे में, तो आपके पास यहां पर ज्यादा चॉइस नहीं है, पोपे हैं, बॉस्कॉम्बे और थॉमस, इन तीनों को ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा जो ऑप्शन है वो इतने अच्छे नहीं है। लेसमान लुइस को यदि खिलाते हैं तो इन्हें ट्राई करूंगा, उसके बारे में अपडेट आपके लिए टेलीग्राम पर दे दूंगा। दोस्तों यहां पर हूपर हैं, इतने अच्छे ऑप्शन ए भी नहीं है,
उसके अलावा पेटर्स भी इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। सिर्फ ग्रैंड लीग में एक आधा टीम में आप इन्हें डाल सकते हो, और दोस्तों एक से ज्यादा टीम में ज्यादा डालना भी मत। ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में बात करें, उससे पहले यदि आप लो एंट्री में, जी हाँ दोस्तों, कम इन्वेस्टमेंट में यदि ज्यादा लाभ कमाना चाहते हो तो आप माई फेवलेबिन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड जरूर डालना है। जैसे ही आप कोड डालोगे, हमारी तरफ से आपके लिए ₹50 दोस्तों अब कैश बोनस दे दिया जाएगा। और एक खास बात दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम ₹100 ऐड करते हो तो आपके लिए 200 मिलेगा, 200 करते हो आपके लिए 400 मिलेगा, मतलब जितना भी ऐड करोगे उसका डबल हम आपके लिए देने वाले हैं। तो आप एक बार माई फेवलेबिन जरूर ट्राई कर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। आप यहां पर देख सकते हो कि मात्र ₹5157 की, जबकि ड्रीम इलेवन में ₹5750 की है, मतलब ज्वाइन करने से पहले ही आपके लिए 550 का फायदा मिल गया। उसके अलावा 2599 ड्रीम इलेवन पर 2875 की है, मतलब लगभग 300 रुपए का आपके लिए ज्वाइन करने से पहले ही फायदा मिल गया। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। आप यहां पर अच्छी ना लगे तो इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि हम आपके लिए 100% कैश बोनस यूजेबल लीग तो दे ही रहे हैं। आपके पास जो ₹50 कैश बोनस आएगा उससे तो आप एक बार खेलकर देख ही सकते हो। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर से आपके लिए Raj123 कोड डालना है, इससे हमारी तरफ से आपके लिए ₹50 मिल जाएंगे। तो उनसे एक बार खेलकर देख लीजिएगा, यदि अच्छी नहीं लगे तो अनइंस्टॉल भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में सुनील एम्ब्रेस, लाबिया, होइटे और विलियम्स, ये तीनों हैं, चारों हैं। तो इन चारों को मैं अपनी टीम में ट्राई करने वाला हूं। दोस्तों ज्यादा आपके पास चॉइस यहां पर हैवी नहीं है। यदि आप किसी एक को मिस कर एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर के साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों हम आपके लिए बता दें, जॉनसन है, लाइने हैं और सैमुअल है। उसके अलावा जॉर्डन को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। एक कुछ ऑप्शन बॉलिंग सेक्शन में, यदि आप इनके सभी के स्टैट्स देखना चाहते हो तो आप वीडियो को थोड़ा लास्ट में जाकर पीछे जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर इन तीनों को मैं यहां पर ट्राई कर रहा हूं। यदि आप रेस जॉर्डन को ट्राई करना चाहते हो तो सैमुअल की जगह आप रेस जॉर्डन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, या जॉनसन की जगह भी आप रेस जॉर्डन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, डिपेंड आप पर करने वाला है। हालांकि फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन टीम तो आपके लिए मैं टेलीग्राम पर आफ्टर टॉस दूंगा ही। अब बात करते हैं यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात की जाए तो आपके पास सुनील एम्ब्रेस स्मॉल लीग में लगभग आपके लिए 99% लोगों का कैप्टन वाइस कैप्टन मिलने वाला है, कैप्टन ही मिलने वाला है, वाइस कैप्टन तो ज्यादा लोग नहीं मिलाएंगे। उसके अलावा आपके पास यहां पर होइटे और विलियम्स, ये दोनों भी अच्छे ऑप्शन है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि आपके लिए फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।